दोस्तों आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है कि 10% EWS आरक्षण जारी रहेगा। हालांकि इस फैसले में भी 3 जज सहमत हैं, 3 जजों की हां है जबकि 2 जजों की ना है। ये देख सकते हैं आज EWS के आरक्षण फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम और बड़ी सुनवाई हुई और देश में ये बड़ा फैसला सुनाया गया और इसमें 3 जजों ने अप वोट किया जबकि 2 जजों ने डाउन वोट किया कि ये फैसला सही नहीं है। बहरहाल क्योंकि 3 जजों का वोटिंग रेशियो ज्यादा है और इसीलिए फाइनली अब हमारे देश में 10% EWS आरक्षण जारी रहेगा। अब ये क्या है EWS आरक्षण और किन किन जातियों को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा 10% आरक्षण का और किस किस सेक्टर में ये रिजर्वेशन लागू होगा, पूरी जानकारी मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। SC ST OBC जनरल आप किसी भी कास्ट में क्यों ना हो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि मैं आपको पूरा मामला शुरू से समझाता हूं। बात है साल 2019 की, जब लोकसभा चुनाव से पहले NDA सरकार ने यानी भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था। जनरली आपको पता होगा हमारे देश में आरक्षण किन किन जातियों को मिलता है, SC ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, इन्हीं जातियों को आरक्षण मिलता है। मतलब जो जनरल कैटेगरी में लोग बाग आते हैं, शर्मा, ब्राह्मण, जैन, बाणिया वगैरह, इनको आरक्षण नहीं मिलता है, राइट। लेकिन साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे ना, तब सरकार ने चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था, ठीक है ना। और उस समय सरकार ने इस आदेश को लागू करने के लिए संविधान में 103वां संशोधन भी किया था। अभी हमारे इंडियन कानून के मुताबिक जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अभी देश भर में SC ST OBC वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% सीमा के अंदर ही है, ठीक है। तो साल 2019 में सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी, जनरल कैटेगरी वालों की बात हो रही है यहाँ पर, उनके लिए भी 10% आरक्षण लागू कर दिया था। लेकिन कुछ लोग इस आदेश से, इस फैसले से खुश नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 से ज्यादा याचिकाएं सरकार के खिलाफ दायर की गई कि इस आरक्षण को वापस हटाया जाए, जनरल कैटेगरी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, फिर चाहे वो गरीबी क्यों ना हो। तो अभी इस पर काफी समय से सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तारीख से तारीख, तारीख पे तारीख, वो आपको पता ही है। फाइनली अभी इसी साल सितंबर महीने में 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये आरक्षण लागू रहेगा या नहीं रहेगा इस पर फैसला सुनाया फाइनली अपना। और 5 जजों के बेंच में से 3 जज इस आरक्षण को लागू रखने में हां किए हैं और 2 जज इस आरक्षण को लागू करने में ना किए हैं, यानी कि वो इससे सहमत नहीं है सरकार के फैसले से, लेकिन 3 जज सहमत हैं। अब क्योंकि वोटिंग रेशियो 3 जजों का इधर ज्यादा है तो अब फाइनली 10% EWS आरक्षण जो है वो लागू रहेगा। EWS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, समझ रहे हो ना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए पर्टिकुलरली आरक्षण है। और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद किस किस जातियों को क्या क्या आरक्षण मिलेगा। EWS को 10% मिलेगा, OBC को 27% मिलेगा, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण अभी हमारे देश में संविधान के अनुरूप मिलता रहेगा। अच्छा, EWS रिजर्वेशन के लाभार्थी कौन कौन है, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग जो आप 10% आरक्षण के अंदर आएंगे, ये भी समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए या इससे कम है, जिन परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ या इससे कम है, अगर आपका आवासीय घर जो रहने का घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से भी कम है, अधिसूचित नगर पालिका में देखिए आप 100 गज से कम का प्लॉट है अगर आपके पास अधिसूचित नगर पालिका में, और गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 गज से कम का प्लॉट है, ये अगर एलिजिबल क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं, सालाना इनकम भी 8 लाख से कम है, 5 एकड़ से जमीन कम है खेती के लिए, तो आप EWS रिजर्वेशन के लाभार्थी होंगे और फिर आपको सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जहां जहां भी मतलब आरक्षण लागू होता है ना, वहां आपको 10% आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें कौन सी जाति है, कौन सी प्रजाति है, उसका कोई रोल नहीं होगा, इसका EWS आरक्षण का क्राइटेरिया ही आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित है, क्योंकि EWS का मतलब ही यही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर समाज का वर्ग है उसके लिए है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। तो देखा जाए तो ये वाकई में सरकार का एक अच्छा डिसीजन रहा था साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ही, और फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आरक्षण पर सहमति जता ही दी है, तो अब ये देश में लागू हो चुका और लागू ही रहेगा। ओके, उम्मीद है दोस्तों ये न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी, अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भी आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है, तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।